भोपाल में बीजेपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद कर शहीद गेट पर 1001 दीपक जलाए। इस अवसर पर धारा 370 हटाने के लिए मोदी सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। धारा 370 का सपना हुआ साकार, धन्यवाद मोदी सरकार के चित्र पर 370 दीपक जलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ईदगाह हिल्स स्थित शहीद गेट पर 1001 दीपक जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे के नारे के साथ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया था और हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जिन्होंने कहा था देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, उसी संकल्प को लेकर कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज उनका सपना मोदी सरकार ने पूरा किया है। आज 370 धारा हटा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी गुरु नानक मंडल के माध्यम से 370 धारा का सपना हुआ साकार कर रही मोदी सरकार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।